फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती दक्ष किचन रेसिपीज। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बाजार से लाए हुए पनीर को हम घर पर शुद्ध करके कैसे खाएं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पनीर मैं मार्केट से लेके आई हूँ और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप अपनी पसंद के छोटे बड़े पीसेस में इसको कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी मार्केट से कच्चा पनीर लाएं, उसकी सब्जी बनाएं, कच्चा खाएं या फिर बच्चों या बड़ों को खाने के लिए दें, तो सबसे पहले पनीर को शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट से लाए हुए पनीर पर कई तरह के हाथ लगे होते हैं और वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता। तो अब हम पनीर के सारे पीसेस को पानी में डाल के उबाल लेंगे और एक उबाल आने से पहले हम पनीर के पीसेस को निकाल देंगे। तो पानी हमें उतना ही लेना है कि हमारे पनीर के पीसेस अच्छे से पानी में डूब जाएं। तो अब सादे पानी में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, जिससे कि नमक का फ्लेवर पनीर के पीसेस में आ जाए। तो अब हम एक एक करके पनीर के पीसेस को पैन में डाल देंगे। उबाल आएगा उससे पहले ही हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ढक देंगे। तो देखिए, उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब हम पनीर के पीसेस को बड़ी सावधानी के साथ प्लेट में निकाल लेंगे। तो पनीर के पीसेस काफी सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम बड़ी सावधानी से इसको प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि इनके टूटने का डर रहता है और इसमें नमक का भी फ्लेवर आ गया है, जिससे ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारे पनीर के पीसेस को प्लेट में निकाल लिया है और आप जब इसको खाएंगे तो ये और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे, क्योंकि इनकी शुद्धता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह से पनीर पूरी तरह से साफ हो जाता है, क्योंकि मार्केट में कई तरह के हाथ लगे होते हैं। तो आप जब भी मार्केट से पनीर लाएं, इस तरह से शुद्ध करके खाएं और स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।